अमेरिकी सेना में एक्टिव ड्यूटी के दौरान आत्महत्या की दर साल 2018 में 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बीते साल 325 सैनिकों ने आत्महत्या की। 2001 में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर नजर रखने की शुरुआत के बाद ये सबसे अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आत्महत्या करने वाले सैनिकों की संख्या 2017 के मुकाबले 40 ज्यादा थी। एक्टिव ड्यूटी के दौरान आत्महत्या की दर 1 लाख सैनिकों पर 24.8 थी। 2013 के बाद इसमें 18.5 अंक की वृद्धि हुई। रक्षा विभाग ने उम्र और लिंग का हिसाब लगाने के बाद अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि सक्रिय ड्यूटी के दौरान आत्महत्या की दर अमेरिका की सामान्य आत्महत्या दर के जैसी ही है। फोर्स रेडिजेंसी के कार्यकारी निदेशक एलिजाबेथन वॉन विंकल ने कहा कि इसके बावजूद ये चिंताजनक स्थिति है, हमारी संख्या सही दिशा में नहीं बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पुरुष सैनिकों में सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले मरीन कॉर्प्स हैं। यहाँ आत्महत्या दर 1 लाख पर 31.4 मरीन कॉर्प्स हैं और दूसरे स्थान पर अमेरिकी नौसेना और तीसरे पर वायुसेना है। यह क्रमशः आत्महत्या दर 24.8 और 18.5 है। रिपोर्ट बताती है कि नेशनल गार्ड और रिजर्व ड्यूटी यूनिट पर भी आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति से जूझते हुए देखा जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।